सीयू हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस निर्माण हेतु एबीवीपी ने आंदोलन तेज कर दिया है। सीयू की एबीवीपी इकाई ने सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू करके सरकार को चेता दिया है कि यदि शीघ्र स्थायी कैंपस निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। मांगे न मानने पर एबीवीपी कक्षाओं का बहिष्कार करके शिक्षक को सीयू के पूर्णता बंद कर देगी और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देगी। सीयू हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस निर्माण हेतु एबीवीपी ने आंदोलन तेज कर दिया है। सीयू की एबीवीपी इकाई ने सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू करके सरकार को चेता दिया है कि यदि शीघ्र स्थायी कैंपस निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। मांगे न मानने पर एबीवीपी कक्षाओं का बहिष्कार करके शिक्षक को सीयू के पूर्णता बंद कर देगी और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देगी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि तीन जगहों पर सीयू कैंपस चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्थायी कैंपस निर्माण की ओर सरकार लापरवाह बनी हुई है। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने कदम न उठाए तो बीसी का सीयू कैंपस में आना बंद कर दिया जाएगा। सीयू हिमाचल प्रदेश के एबीवीपी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि सीयू की मूलभूत मांगों को लेकर स्टूडेंट्स सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। 5 दिन से एबीवीपी आंदोलनरत है, लेकिन सीयू प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। हमारी मांगे न मानी गई तो आने वाले दिनों में शिक्षा का पूर्ण बहिष्कार कर बीसी का कैंपस में आना बंद कर देंगे। इसके बावजूद बात नहीं बनी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सीयू का आज तक स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। कांग्रेस भाजपा के चक्कर में सीयू फंसा हुआ है। आज जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी जो विश्वविद्यालय की जो ये मांगे हैं, हमारी मूलभूत हमारी मांगे जो है इसके लिए किया जा रहा है। ये हमारा आज जो आज का जो प्रदर्शन है, ये हमारा 5वां दिन हुआ, लगातार 5वां दिन है आज ये। परंतु जो हमारा प्रशासन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासन है, इसके कानों में अभी तक कोई गूँ तक नहीं हुई है। ये कोई अपना हमारे हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है इसे, तो ये हम आज सांकेतिक जो भूख हड़ताल है इसे कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय हमारी इन मांगों को नहीं मानता है तो आगे आने वाले समय में हम पूर्ण शिक्षा बंद कर देंगे और बीसी का यहाँ यूनिवर्सिटी में आना तक बंद कर देंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे भी भूख हड़ताल पे जो नियमित भूख हड़ताल होगी हमारी, उन्हें हम करेंगे। फिर मांगे, जैसे हमारी सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 से है, उसका आज तक अपना कैंपस नहीं है। उसके ये जो हमारे राजनीतिक दल है, इन चक्रों में कांग्रेस बीजेपी इत्यादि जो चक्रों में है, ये पड़ा हुआ है, परंतु आज तक इसका निर्माण नहीं हो सका है। और दूसरी हमारी ये जो है, इसे यहाँ पे आए हुए 3 साल हो चुके हैं, परंतु यहाँ पे कैंटीन पुस्तकालय की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। छात्रों को बैठने के लिए नहीं है, यहाँ आप देख रहे हैं गाड़ियाँ हैं इत्यादि, छात्रों को बैठने के लिए कोई सुविधा तक नहीं है, ग्राउंड में मैदान नहीं है। तो ये जो हमारी सारी समस्याएं हैं, इन्हें अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो आगे आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन बीसी का आना बंद कर देंगे यहाँ पे, और पूर्ण शिक्षा भी बंद करेंगे।